तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी मैं हूँ फिलहाल दिल्ली के जामा मस्जिद में, और ये दिल्ली का टूर अभी स्टार्ट हो गया है। और जामा मस्जिद से मैंने स्टार्ट किया है। जामा मस्जिद के ठीक सामने आपको लाल किला देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको हम रेड फोर्ट भी कहते हैं। और जामा मस्जिद की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपको गेट नंबर वन। टोटल इस मस्जिद में आपको तीन गेट मिलेगा, ये गेट नंबर वन है। यहाँ से एंट्री बिल्कुल ही फ्री है। और मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या और कैसा है। तो यहाँ पे आपको आप जूते वगैरह अगर चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं, जूते उतार के, जूते चप्पल। तो वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ लगेगा गेट नंबर वन के पास। और पहले तो ये पैसा नहीं लगता था जूता चप्पल सबमिट करने का, और अब ये 20 रुपीज़ है चार्ज लेते हैं। और ये रहा अपना ज़्यादा मस्जिद, ये इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। अराउंड आपको 25,000 लोग यहाँ पे आराम से नमाज पढ़ सकते हैं, और उससे ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज स्पेस है। तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और पूरा पत्थर एकदम गर्म हो गया है, तो चलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। तो अगर मोज़ा वगैरह पहन के आ रहे तो ठीक है। और यहाँ पर आपको वज़ू खाना देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, नमाज़ पढ़ने से पहले लोग वज़ू करते हैं, और तो वही बहुत सारे लोग वज़ू कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हाथ पाँव भी धो रहे हैं। तो और यहाँ पे एक आपको घिरा हुआ एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिकली जिसने मस्जिद बनाया है, शाहजहाँ ने जो मस्जिद बनाया है, वो उन्होंने ख्वाब में देखा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वज़ू किया था, इस वजह से इस एरिया को घेर दिया गया है, और ताकि कोई और लोग वज़ू नहीं कर सके यहाँ, ऐसे लोगों का कहना है। और जो इस मस्जिद में जो खर्च हुई थी बनाने में, जो टोटल अमाउंट खर्च हुई थी, वो करीबन 10 लाख के करीब खर्च हुई थी इस पूरे मस्जिद को बनाने में। और उस दौर में 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। और यहाँ पे आप ही ऊपर भी लेके चलेंगे, ऊपर का जो आपको ये है प्राइस वगैरह है, टिकट लगता है ऊपर जाने के लिए, आपको 50 रुपया टिकट प्राइस लगेगा। और आपको ऊपर से पूरा चांदनी चौक, पूरा दिल्ली का व्यू आएगा। और नमाज के टाइम में ये टावर टिकट भी, जो ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाने के लिए, वो भी बंद रहता है। तो अभी फ़िलहाल 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। ये देखिए, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 1 साल पहले 50 रुपये का था, अभी पता नहीं, आई थिंक 70 रुपये का सुनने में आ रहा है। एक बार खुलेगा तो पता करेंगे। और फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से काफ़ी कमाल का व्यू आता है। तो मीनार पर जाने के लिए आपको गेट नंबर वन से आपको लेना पड़ेगा, और जो टिकट का प्राइस हो गया है वो आपको 70 रुपये हो गया, पहले 50 रुपये था। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ से आपको पूरा जामा मस्जिद का पूरा ऊपर से व्यू मिलेगा, और काफ़ी कमाल का व्यू है यहाँ से। थोड़ा और आपको ऊपर लेके चलते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट ये बेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये बिछा दिया गया है कालीन, तो थोड़ा सा जो गर्म रहता है छत, तो वो थोड़ा नहीं फील होगा, क्योंकि काफ़ी गर्म है, धूप काफ़ी तेज़ है, तो गर्मी के समय में छत काफ़ी गर्म हो जाता है, और नीचे में पत्थर भी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे और ऊपर जाना है, में जैसे ही चढ़ते जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको चेक होगा टिकट। और यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्री करते हैं और ऊपर चलते हैं। ये है आपको मीनार का रास्ता, ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर हम लोग जाएंगे एकदम ऊपर तक। तो यही मीनार है जो आपको, इस पे जाने का आपको 70 रुपये चार्ज लगता है। तो दो जगह टिकट आपको चेक होगा, एक आप गेट नंबर वन पे और एक ऊपर में आइएगा तो मीनार में चढ़ने से पहले आपको वहाँ पे चेक होगा। और ऊपर में पानी वगैरह भी मिलता है, तो ऊपर चलते हैं अब हम लोग। यहाँ पे अभी लाइट वगैरह लगा दिया, पहले नहीं था लाइट। ओए काफी
ज्यादा सीढ़ी है यहाँ पे। फाइनली अभी हम लोग ऊपर में मीनार के पास पहुँच गए, और ये देखिए ऊपर से पूरा आपको ओल्ड दिल्ली का पूरा व्यू मिलेगा। ये अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा आपको चांदनी चौक देखने के लिए मिलेगा। अभी थोड़ा कम भीड़ है क्योंकि अभी जस्ट ये खुला है नमाज के बाद, तो इस वजह से थोड़ा कम भीड़ है। और यहाँ से आपको नज़ारा भी दिख रहा होगा रेड फोर्ट का, ये अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपको रेड फोर्ट। ये बेसिकली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये रेड फोर्ट है ये, तो यहाँ से पूरा इसके बगल ही में है रेड फोर्ट हो गया। काफ़ी कमाल का व्यू है। तो अभी मैं फ़िलहाल मीनार से उतर गया हूँ और अभी मैं निकल रहा हूँ रेड फोर्ट के लिए, और आज के व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद है आपको ये जामा मस्जिद का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।